इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 11 का दूसरा मैच किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच खेला जा रहा है। बता दें, दिल्ली की कप्तानी गौतम गंभीर की जिम्मेदारी है। किंग्स 11 पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम ने अब तक शानदार बल्लेबाजी की। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली के कप्तान गौतम गंभीर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। अपनी हाफ सेंचुरी के दौरान गंभीर ने 39 गेंदों का सामना करते हुए एक छक्का और 5 चौके लगाए। हालांकि मैच के 15वें ओवर में गौतम गंभीर 55 रन बनाकर रन आउट हो गए। गंभीर के इस शानदार पारी के बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली इस मैच को अपने झोली में कर पाती है या फिर पंजाब के खिलाड़ी मैच के बाद बल्ले बल्ले करते हैं।